वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास एन एनसीईआरटी क्वेश्चन 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है 10। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी का मतलब ये हुआ कि हर पीछे वाले टर्म में अगर हम डी ऐड करते चले जाएंगे तो आगे वाला टर्म मिल जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी। हमने सिर्फ ए में डी ऐड कर दिया। थर्ड टर्म होगा ए प्लस टू डी। ए प्लस डी में डी ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट मिल जाएगा। और फोर्थ टर्म होगा ए प्लस थ्री डी। मतलब हमने ए प्लस टू डी में डी ऐड किया। फर्स्ट टर्म में पता है 10 है, ए इज 10। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए इज 10, डी इज ऑल्सो 10। ए भी 10 है, डी भी 10 है, 20। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20, ये 20 हो, 20 प्लस 10 30। फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, देख लीजिए यहाँ पे ए प्लस थ्री डी, ए 10 है प्लस 3 इंटू 10, 30 प्लस 10 दैट इज 40। क्लियर है? इसमें फर्स्ट टर्म माइनस 2 है और कॉमन डिफरेंस 0 है। फर्स्ट टर्म माइनस 2, सेकेंड टर्म ए प्लस डी माइनस 2, डी 0 है तो माइनस 2। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, ए इज माइनस 2 और डी 0 है तो 0.2, तो ये 0 हो गया दैट इज माइनस 2। फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, ए माइनस 2 है और डी 0 है तो 0 × 3, तो ये 0 दैट इज माइनस 2। मतलब सारे टर्म इसके सेम है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 ऐसे जाएगा। ये फर्स्ट टर्म ए 4 है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होगा, ए 4 है और डी माइनस 3 है, 4 माइनस 3 हो जाएगा ये दैट इज 1। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, ए इज 4 प्लस 2, डी इज माइनस 3 मीन्स 4 माइनस 6 हो गया ये दैट इज माइनस 2। फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, ए इज 4, डी इज माइनस 3 माइनस 9 हो गया, 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5। फर्स्ट टर्म माइनस 1 है और कॉमन डिफरेंस हाफ है। फर्स्ट टर्म ए माइनस 1, सेकेंड टर्म ए प्लस डी माइनस 1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा माइनस हाफ। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी माइनस 1 प्लस 2 इंटू हाफ, 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 0। फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी माइनस 1 प्लस 3 इंटू हाफ, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 3 बाई 2। 3 बाई 2 मीन्स 1.5, तो 1.5 में अगर आप 1 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, हाफ। माइनस 1.25 और कॉमन डिफरेंस है माइनस 0.25। फर्स्ट टर्म ए दैट इज माइनस 1.25, सेकेंड टर्म ए प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस 1.25, ये माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 1.50। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, ए इज माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी, डी इज माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 ये हो जाएगा माइनस 0.50। 25 माइनस 0.50, इसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस 0.75। फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी माइनस 1.25
plus 3 into minus 0.25, minus 1.25 plus minus minus 0.75, ये हो जाएगा माइनस 1.25 एंड माइनस 0.75 ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2। ये भी गलत हो गया, ये माइनस 1.25 माइनस 0.25, ये माइनस 1.75 होगा, ये माइनस 1.75 मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस 1.75। तो फर्स्ट टर्म है माइनस 1.25, सेकेंड टर्म माइनस 1.50, थर्ड माइनस 1.75 एंड फोर्थ इज माइनस 2। क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये सारे AP में हैं, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट पार्ट आते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो 3 है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये AP में है, तो किसी भी आगे वाले टर्म को पिछले टर्म में आप माइनस करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पे 1 है और फर्स्ट टर्म 3 है, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म माइनस 5 है, इवन इज माइनस 5। अब निकालने कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पे माइनस 1 है और फर्स्ट टर्म माइनस 5 है, माइनस 1 माइनस माइनस 5, तो माइनस 1 ये प्लस, माइनस 1 ये प्लस 5 हो गया दैट इज 4। थर्ड इसमें फर्स्ट टर्म है 1/3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म है 5/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3, ये हो गया 5 माइनस 1/3 दैट इज 4/3। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म है 0.6, a1 इज 0.6, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दीजिए, सेकेंड टर्म है 1.7 और फर्स्ट टर्म है 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6 1.1। फॉलोइंग आर APs, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बहुत सारे सीक्वेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इन सीक्वेंस में कौन सा AP है। अगर AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और साथ में 3 मोर टर्म्स भी बताने हैं। फर्स्ट है 2, 4, 8, 16, तो कोई सीक्वेंस AP में है कैसे पता करते हैं, हम देखते हैं जो आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम है कि नहीं। तो हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होगा कॉमन डिफरेंस, ये होगा डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म 4 है फर्स्ट टर्म 2 है, 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब निकालते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 8 है और सेकेंड टर्म 4 है, 8 माइनस 4 4 इक्वल है नहीं, तो लिखिए सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 4, द डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। डिफरेंस अगर सेम होता तो AP में होता, नहीं है तो AP में नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम, हैंस इट इज नॉट एन AP। इसको चेक करेंगे ये AP में है या नहीं, तो डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पे 5/2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 5/2 माइनस 2, 5/2 में अगर 2 माइनस करेंगे हाफ आएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालिए, a3 माइनस a2, a3 है 3, थर्ड टर्म है 3 और सेकेंड टर्म है 5/2, 3 माइनस 5/2 करेंगे ये हाफ आएगा। लास्ट है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, a4 माइनस a3, a4 है 7/2 माइनस 3, इसको भी माइनस करेंगे तो हाफ आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, सेम है, मतलब ये डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP में है। देखिए सिंस डिफरेंस इज सेम,
defense, it is in AP. It is in an AP. AP में है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और साथ में नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी निकालना है. तो कॉमन डिफरेंस तो यही है, हाफ लिख लीजिए, d इक्वल्स टू हाफ. अब हमें निकालने हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स, वन टू थ्री फोर, फोर टर्म्स तक हैं. मतलब हमें निकालना है फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म होता है फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. फोर्थ टर्म हमारे पास सेवन अपॉन टू है और कॉमन डिफरेंस हाफ है. तो सेवन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, सेवन प्लस वन एट, एट अपॉन टू फोर हो गया, ए फाइव. सिक्स टर्म निकालना है. सिक्स टर्म मीन्स फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. फिफ्थ टर्म है फोर, कॉमन डिफरेंस है हाफ. फोर प्लस हाफ होगा नाइन बाई टू. सिक्स टर्म निकल गया नाइन बाई टू. सेवन्थ टर्म, सेवन टर्म मीन्स सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. सिक्स टर्म है नाइन बाई टू और कॉमन डिफरेंस है हाफ. तो ये नाइन प्लस वन टेन, टेन अपॉन टू फाइव हो गया. तो कॉमन डिफरेंस हाफ है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं फोर, नाइन बाई टू एंड फाइव. यहाँ लिख लीजिए आप नेक्स्ट थ्री टर्म्स. थ्री टर्म्स आर फोर, नाइन बाई टू एंड फाइव. क्लियर है? इसको चेक करना है एपी में है या नहीं, चेक कीजिए. डिफरेंस निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म माइनस थ्री अपॉन थ्री पॉइंट टू है और फर्स्ट टर्म है माइनस वन पॉइंट टू. तो माइनस थ्री पॉइंट टू, माइनस माइनस प्लस वन पॉइंट टू, ये हो जाएगा माइनस टू. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालिए. थर्ड टर्म माइनस फाइव पॉइंट टू और सेकेंड टर्म है थ्री पॉइंट टू, माइनस माइनस थ्री पॉइंट टू. तो माइनस फाइव पॉइंट टू, ये माइनस माइनस प्लस थ्री पॉइंट टू, माइनस टू हो गया. लास्ट है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म माइनस सेवन पॉइंट टू, माइनस थर्ड टर्म माइनस फाइव पॉइंट टू. तो माइनस सेवन पॉइंट टू, माइनस माइनस प्लस फाइव पॉइंट टू, माइनस टू. हम देख रहे हैं कि आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब ये एपी में है कि सिंस डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज इन एन एपी. इट इज इन एन एपी. एपी में होगा तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. ये कॉमन डिफरेंस है तो लिख लीजिए d इक्वल्स टू माइनस टू और साथ में नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने हैं. मतलब a5, a6, a7. a5 निकालते हैं. a5 मतलब फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. फोर्थ टर्म है माइनस सेवन पॉइंट टू और कॉमन डिफरेंस है माइनस टू. तो माइनस सेवन पॉइंट टू, माइनस टू, माइनस नाइन पॉइंट टू. सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. फिफ्थ टर्म माइनस नाइन पॉइंट टू और कॉमन डिफरेंस माइनस टू है, तो यह हो जाएगा माइनस एलेवन पॉइंट टू. सेवन्थ टर्म, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. सिक्स टर्म है माइनस एलेवन पॉइंट टू, कॉमन डिफरेंस है माइनस टू, दैट इज माइनस थर्टीन पॉइंट टू. तो कॉमन डिफरेंस माइनस टू आ गया और नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं माइनस नाइन पॉइंट टू, माइनस एलेवन पॉइंट टू, माइनस थर्टीन पॉइंट टू. लिख लीजिए नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर माइनस नाइन पॉइंट टू, माइनस एलेवन पॉइंट टू एंड माइनस थर्टीन पॉइंट टू. कीजिए डिफरेंस निकालिए. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म माइनस सिक्स है और फर्स्ट टर्म माइनस टेन है. माइनस सिक्स, माइनस टेन, माइनस सिक्स, ये माइनस माइनस प्लस टेन. टेन माइनस सिक्स फोर आ गया. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म माइनस टू है और सेकेंड टर्म माइनस सिक्स. माइनस टू प्लस सिक्स, दैट इज़ फोर. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म इज़ टू
minus common difference, and this is minus 2. तो 2 + 2 दैट इज 4. हम देख रहे हैं आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एपी में है. तो लिखिए सिंस डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज इन एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस 4 है यहाँ पे, तो d इक्वल्स टू 4. और साथ में हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स ही बताने हैं, मतलब a5 a6 a7 a5 a5 मींस a4 प्लस d, a4 2 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, दैट इज 6. a6 मैं इधर कर देता हूँ, a6 को a6 a5 प्लस d, a5 6 है और d 4 है, 10. a7 a6 प्लस d, a6 10 है और d 4 है, दैट इज 14. नेक्स्ट 3 टर्म्स आर सिक्स टेन फोर्टीन. फिफ्थ पार्ट में हमें ये चेक करना है ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है. डिफरेंस निकालिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म है 3 + √2 और फर्स्ट टर्म है 3. 3 कैंसिल, √2. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म है 3 + √2 और सेकेंड टर्म है 3 + √2. माइनस 3 माइनस √2. 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2. 2√2 माइनस √2 √2 होगा. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म है 3 + 3√2 और सेकेंड थर्ड टर्म है 3 + 2√2. माइनस 3 माइनस 2√2. 3 कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2√2. हम देख रहे हैं आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, √2 आ रहा है. यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है. इसका मतलब ये एपी में. तो लिखिए सिंस डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एपी. एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताना है. कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, √2. और साथ में हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताने हैं. निकालते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ रहे हैं. a4 तक हमें पता है, a5 निकालना है. a5 मींस a4 प्लस डी. a4 है 3 + 3√2 और d है √2. तो 3 + 3√2 + √2 4√2. ये है फिफ्थ टर्म. सिक्स टर्म, सिक्स टर्म मीन्स a5 + d. a5 3 + 4√2 है और d 2 है, दैट इज 3 + 5√2. a7 सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. सिक्स टर्म है 3 + 5√2 और d है √2, मीन्स 3 + 6√2. तो कॉमन डिफरेंस √2 है और नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2. क्लियर है, ये सीक्वेंस है. चेक करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म है 0.22 और फर्स्ट टर्म है -0.2. इसको कर सकते हैं 0.20, कर सकते हैं. ये आएगा 0.22 में, अगर 0.20 करेंगे तो ये आएगा 0.02. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म है
0.222 माइनस सेकेंड टर्म है 0.22, एक जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे भी हम, ये आएगा 0.002। तो देख रहे हैं कि जो आगे वाला टर्म और पिछले टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। लेकिन सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं हुआ इसलिए मैंने नेक्स्ट नहीं निकाला, A4 माइनस A3 नहीं निकाला, क्योंकि हमारा काम तो यही हो गया, डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन AP, AP नहीं है, सॉल्व हो गया। सेवेंथ पार्ट चेक करिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज -4, फर्स्ट टर्म इज 0, -4, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है -8 और सेकेंड टर्म है -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस माइनस 4, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इज -12 एंड थर्ड टर्म इज -8, माइनस 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 प्लस माइनस 4, तो डिफरेंस सेम आ रहा है, आगे वाले टर्म और पिछले टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। लिखिए सिंस डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज इन एन AP। कॉमन डिफरेंस -4 आया है, लिख लीजिए कॉमन डिफरेंस -4। अभी हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने हैं, फोर तक है, A5 निकालते हैं। A5 मीन्स A4 प्लस D, A4 है -12 और D है -4, -12 प्लस माइनस माइनस, तो -12 -4 -16, A5 प्लस D, A5 -16 एंड D -4 है -20, A7 सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सिक्स टर्म इज -20 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, दैट इज -24, तो कॉमन डिफरेंस -4, फिफ्थ टर्म 16, सिक्स टर्म ये, तो लिखिए नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर -16, -20 एंड -24। एट्थ पार्ट में हमें यह सीक्वेंस है बताना है AP में है नहीं, बिल्कुल AP में है क्योंकि सारे टर्म्स सेम हैं, तो कॉमन डिफरेंस भी सेम आना चाहिए, लेकिन हमें एक प्रोसेस से करना है, तो कीजिए आप। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज -0.5, फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो -0.5, -0.5 +0, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम रहेगा सब कुछ, -0.5 -0, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, -0.5 -0, डिफरेंस सेम है, इसका मतलब AP में है, लेकिन सिंस डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज इन एन AP। AP में तो कॉमन डिफरेंस बताने हैं, कॉमन डिफरेंस 0 है, D 0, नेक्स्ट थ्री टर्म्स बताने हैं, तो टर्म्स तो सारे सेम ही रहेंगे, A5 -0.5, A6 -0.5, A7 वो भी -0.5, तो सारे टर्म तो सेम ही हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर -0.5 -0.5 and -0.5। नाइन्थ पार्ट चेक करना है AP में है या नहीं, चेक करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 1, 2,
2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 9 और सेकेंड टर्म है 3, 6 इक्वल नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी, इसलिए एपी नहीं है। एपी नहीं है तो फिर यही खत्म हो गया काम। ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए चेक करना एपी में है या नहीं है। ए टू माइनस ए वन, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज टू ए, फर्स्ट टर्म इज ए, ये हो गया। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है थ्री ए और सेकेंड टर्म है टू ए, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है फोर ए और थर्ड टर्म है थ्री ए, दैट इज ए, डिफरेंस सेम है, इसका मतलब एपी में है। सिंस डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज इन एन एपी। कॉमन डिफरेंस ए है, हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने हैं, फोर टर्म तक दिया हुआ है, ए फाइव, फोर्थ फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म है फोर ए, कॉमन डिफरेंस है ए, दैट इज फाइव ए। सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म फाइव ए, कॉमन डिफरेंस ए, सिक्स ए। सेवेंथ टर्म, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सिक्स टर्म इज सिक्स ए एंड कॉमन डिफरेंस इज वन, दैट इज सेवन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो गए, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर फाइव ए, सिक्स ए एंड सेवन ए। ए फोर चेक करने में, चेक कीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है ये, ए स्क्वायर माइनस ए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन लीजिए आप तो क्या बचेगा, ए माइनस वन, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं क्या बचा, ए माइनस वन, ये और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ए पी में नहीं है। सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी। ना ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, इसमें थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले रूट टू को मैं रूट टू लिख रहा हूँ, रूट एट को हम लिख सकते हैं फोर इंटू टू लिख सकते हैं, रूट एटीन को नाइन इंटू टू लिख सकते हैं और रूट थर्टी टू को सिक्सटीन इंटू टू लिख सकते हैं। रूट टू को आप रूट टू छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू, ये हो गया टू रूट टू, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री होता है, थ्री रूट टू हो गया ये, और सिक्सटीन का फोर होता है तो ये फोर रूट टू हो गया। अब इसको हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे आगे वाले टर्म का पीछे वाले टर्म से, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है टू रूट टू माइनस रूट टू, फर्स्ट टर्म है रूट टू, तो टू रूट टू माइनस रूट टू रूट टू, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म थ्री रूट टू, सेकेंड टर्म इज टू रूट टू, थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू, दैट इज रूट टू, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है फोर रूट टू और थर्ड टर्म है थ्री रूट टू, फोर रूट टू माइनस थ्री रूट टू रूट टू, तो डिफरेंस सेम है, इसका मतलब एपी में है। देखिए सिंस डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज इन एन एपी। एपी में तो हमें कॉमन डिफरेंस बताने हैं और नेक्स्ट थ्री टर्म्स बताने हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आया, रूट टू, कॉमन डिफरेंस इज रूट टू।
A5 फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है, 4√2 और कॉमन डिफरेंस √2, 4√2 प्लस √2 5√2, सिक्स टर्म फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म है 5√2, कॉमन डिफरेंस इज 2, दैट इज 6√2, सेवेंथ टर्म सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सिक्स टर्म है 6√2 और कॉमन डिफरेंस है √2, दैट इज 7√2। तो कॉमन डिफरेंस √2 आया है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं 5√2, 6√2 एंड 7√2, क्लियर है। √3, √6, √9, √12 देखते हैं एपी में है या नहीं है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है √6, फर्स्ट टर्म है √3, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है √9 माइनस √6, √9 मतलब 3 माइनस √6। तो देखिए √6 अगर निकालेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आता है और ये 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग को माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 3 है और ये √6 है 2.4 को। अगर इसको और आप माइनस माइनस करेंगे तो ये और ये इक्वल कभी नहीं आएंगे। वैसे आप एक और भी निकाल ही लीजिए, A4 माइनस A3। √12 माइनस √9, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 × 3 √12 को, और ये तो 3 हो गया, ये 2√3 माइनस 3। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये है, और ये तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी। स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, सो ऑन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 और 7 स्क्वायर 49, सो ऑन। अब डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म 1, 9 माइनस 1 8, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 25 और सेकेंड टर्म है 9, दैट इज 16। सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब एपी नहीं है, लेकिन सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी। लास्ट पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, ये तो 73 है, सो ऑन। अब निकालते हैं डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 25, फर्स्ट टर्म 1, दैट इज 24, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज 49, सेकेंड टर्म इज 25, 24, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 73 और थर्ड टर्म है 49, इसको माइनस करने पे 24 आता है। डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ईपी में है, लेकिन सिंस डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज इन एन एपी है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 24, दिख लीजिए कॉमन डिफरेंस निकालना है 24। नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने हैं हमें, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म तक है, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म है 73 प्लस 24, 437 से 437 7 × 9 = 97, सिक्स टर्म फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म 97 है,
और कॉमन डिफरेंस 24 है, 121 होगा ये सेवेंथ टर्म, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 121 प्लस 24 दैट इज 125. तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं, तो लिखिए नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर नाइन्टी सेवन, 121 एंड 125. इस तरह से क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 के सारे पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए. कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई. वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.